संथाल परगना में व्याप्त गरीबी और अशिक्षा के कारण आज भी लोगों में अंधविश्वास व्याप्त है। सामाजिक मानसिक बीमारियों को ये भूत प्रेत और डायन जोगी का चक्कर मान इलाज कराने की जगह ओझा गुनी की शरण में पहुंच जाते हैं, जिसे रोग तो नहीं छूटता है बल्कि कई बार सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों की गहरा जाने से मानसिक मरीजों की मौत हो जाती है। इन सब बातों को ही ध्यान में रखते हुए जब भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना का विस्तार शुरू हुआ तो 2006 में संथाल परगना प्रमंडल के मुख्यालय दुमका में एक मानसिक अस्पताल की स्थापना की गई। इस मानसिक अस्पताल के खुलने से संथाल परगना के बहुत से लोगों को मानसिक बीमारियों से निजात मिलने लगी, लेकिन अब इस अस्पताल में नियुक्त मानसिक रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक के न होने से मानसिक रोगों के इलाज की व्यवस्था चरमरा गई है। मानसिक रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक के यहाँ न रहने से अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। फिर भी संताल परगना के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ न कुछ लोग इलाज की आस में यहाँ आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के ना होने से मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। मेनिया, डिप्रेशन के अलावा बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो झाड़ फूक में बहुत दिन तक करा लेते हैं, महीना दो महीना, और बहुत सारा पैसा खर्च उसके पीछे झाड़ फूक के पीछे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं इलाज कराने, और तब तक केस काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो फिर दवा रेगुलर खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेंटल पेशेंट में इंसाइट की कमी होती है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमको मानसिक बीमारी है, जिसके कारण भी इलाज करने में या फिर दवा उन लोग नहीं खाने चाहते हैं कि हमको किसी तरह की कोई बीमारी। यहाँ दुमका के मानसिक चिकित्सालय के इस दुर्व्यवस्था के बारे में यहाँ के सिविल सर्जन का कहना है कि मानसिक रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक डिपुटेशन के आधार पर यहाँ नियुक्त थे। हाल ही में झारखंड सरकार ने जब सबका डिपोरेटेशन कर दिया तो उसके साथ ही दुमका के इस मानसिक चिकित्सालय में कार्यरत मानसिक रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक को भी रांची के रिनपास अपने मूल अस्पताल में लौटना पड़ा। आरोग्यशाला में डॉक्टर सोलंकी प्रतिनियुक्त थे, तो अभी रिसेंटली राज्य सरकार के आदेश से इनका स्थानांतरण रिनपास रांची हो गया है, जिसके लिए उनको करीब एक सप्ताह पहले विलंबित कर दिया गया है। तो इस प्रकार के रोग सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है कि इनके जाने के बाद से कोई भी मनोचिकित्सक नहीं रह जाएंगे, और इसकी सूचना दे दी गई है। फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार से होती है तो काम संथाल परगना का इलाका आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ लोगों के बीच बहुत सारे सुपरस्टिशन हैं, लोग भूत प्रेत ओझा बैद डायन जोगिन आदि पर विश्वास करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जाने चली जाती हैं, खूब मुकदमे होते हैं। 2006 ईस्वी में जब राष्ट्रीय मानसिक योजना के तहत दुमका में एक मानसिक चिकित्सालय खोला गया तो फिर यहाँ बहुत सारे लोग इससे इलाज कराने लगे, जिससे लोगों की जान भी बचने लगी, लोग ओझा गुनी के चक्कर में कम पड़ने लगे। तब यह तय हुआ था कि 5 साल के बाद झारखंड की सरकार इसको अपने हस्तगत कर लेगी और यहाँ अपने स्तर से डॉक्टर और अन्य लोगों की व्यवस्था करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहुत दिनों तक डिप्रेशन पर काम चला और अब तो जो डिप्रेशन पर डॉक्टर थे मानसिक इलाज करने वाले, उनका भी तबादला यहाँ से रिन पास हो गया है रांची का। तो इस प्रकार से यहाँ यह अस्पताल अब एक तरह से खाली पड़ गया है, यहाँ इलाज की अब कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा मजाक न हो कि लोग यहाँ आकर मानसिक चिकित्सालय का सिर्फ दर्शन करके यहाँ से वापस लौट जाएँ और फिर उसी ओझा डायन जोगिन गुनी आदि के चक्कर में पकड़ अपनी जान गंवाएं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।